प्रधानमंत्री को दो महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर, उनके कपड़े उतारकर, उनके बाप और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। प्रधानमंत्री अगर वीडियो नहीं निकालता तो प्रधानमंत्री रिएक्ट करते। दो महीने में 130 चर्चिस को जला दिया गया, 6000 हथियार को लूटा गया, 60000 गोलियों को लूटा गया, 50000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री दो महीने के बाद अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, क्योंकि वो लोग कुकी कबीले के हैं, उनका मजहब रिलीजन है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि पॉपी कल्टीवेटर हैं, ये म्यांमार से आए हुए हैं। सब बकवास है। उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इनको रेड ऑर्डर करेंगे।